तो दोस्तों जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ एक गैस निकलती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट में हम जानेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकलती है तो उसकी टेस्ट हम किस प्रकार से करेंगे। हमने यहाँ पे ले लिया एक टेस्ट ट्यूब एंड वहाँ पे डाल दिए कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ ही साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन डालते यहाँ पे रिएक्शन होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, बबल्स यहाँ पे फॉर्म होने लगी है एंड इसको हम ढक देंगे कॉक के साथ ताकि गैस हमारे यहीं पे स्टोर रहे। यहाँ पे कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर जिसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है बहुत ही अच्छे प्रकार से, तो हम देख रहे हैं मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और यहाँ पे बबल्स की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे कुछ बबल्स बना रहे हैं। तो जब तक ये बबल्स की फॉर्मेशन हो रही है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो अब इसकी टेस्ट हम करेंगे फ्लेम टेस्ट के साथ। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसको हम मैच स्टिक सामने डालेंगे तो टेस्ट ट्यूब में एक पॉप साउंड आएगी। फिर से एक बार सुनिए आप। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।